नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। चलिए आज हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और जिसकी सलाह आपको डॉक्टर भी देते हैं। जी हाँ, सालों से भारत हर्बल जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में बड़े पेड़ों से लेकर जमीन पर एक इंच तक उगने वाली घास तक के फायदे और नुकसान का जिक्र शामिल है, लेकिन हमें से बहुत लोगों में इसकी जानकारी न के बराबर है। वहीं हमारे पास अपने घर के गार्डन में उगाने के औषधीय पौधे और पेड़ों के इतने सारे विकल्प भी उपलब्ध हैं कि जिसका सही तरीके से इस्तेमाल साल भर की आपकी डॉक्टरों की फीस बचा सकती है। आपका घर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें एक गार्डन की जगह जरूर होती है। शायद ही आपने कोई ऐसा मकान देखा होगा जिसमें एक भी पौधा नहीं लगा हो। घरों के आसपास पौधे उगाना बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। इसमें कुछ सुंदर दिखने वाले तो कुछ विशेष गुणों वाले पौधे लगाए जाते हैं ताकि घर की सौंदर्यता के साथ स्वास्थ्य भी तरोताजा बना रहे। हालांकि इंग्लिश देवताओं के आने के बाद से लोगों में पौधे के औषधीय गुणों को लेकर समझ और रुचि दोनों ही कम हो गई है, लेकिन कोरोना के बाद से एक बार फिर जड़ी बूटियों की अहमियत जान रहे हैं। इसे लेकर खुद आयुर्वेद डॉक्टर ऐश्वर्या संतोष ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ औषधीय पेड़ पौधे के बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने 4 बेहद आसानी से उगाए जा सकने वाले गार्डन प्लांट और उसके फायदे के बारे में बताया है, जिसे हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला उन्होंने एक फोटो डाला है जिसमें लिखा है 4 इजी टू ग्रो आयुर्वेदिक गार्डन प्लांट। उसमें सबसे पहला है नीम, जो बॉडी को ठंडा रखता है, पाचन को बेहतर बनाता है, थकान को दूर करता है, घाव को साफ करने और भरने का काम करता है, स्किन संबंधी बीमारियों में फायदेमंद है और डायबिटीज में मददगार है, पेशाब संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। दूसरा है इंडियन बोरेज, जी हाँ, पाचन को बेहतर बनाता है, भूख में सुधार करता है, पेट के कीड़े को मारने में काम करता है, बुखार में फायदेमंद है और सिर दर्द में भी राहत दिलाता है, बदहजमी में भी ये काफी कारगर माना जाता है। तीसरा है तुलसी, कफ की समस्या में उपयोगी है, पेट में कीड़े की परेशानी को ठीक करता है, भूख और स्वाद में सुधार करता है, पाचन शक्ति को सुधार करता है, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों में तो राहत पहुंचाता है, कीड़े के काटने पर फायदेमंद होता है, स्किन संबंधी बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है, किडनी स्टोन में भी लाभकारी होता है। चौथा है एलोवेरा, जलने पर राहत पहुंचाता है, घाव को ठीक करता है, बॉडी को ठंडा रखता है, पेट संबंधी परेशानियों में लाभकारी है, मासिक धर्म में दर्द में कारगर है, लीवर के फंक्शन में भी सुधार करता है, कब्ज, एसिडिटी और भारीपन से भी राहत दिलाता है। तो ये वो 4 पौधे थे जिसे आप अपने घरों में लगा सकते हैं और इसके बेमिसाल फायदों का आप फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।